नमस्कार दोस्तों, आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपका दोस्त विजय विद्रोही आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। राजस्थान की राजनीति में क्या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बाद एक नया भूचाल आने वाला है? डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को लाख मनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। वो इस्तीफा वापस नहीं लेने पर अड़े हुए हैं और पार्टी आला कमान को इसका कोई समाधान निकलता दिख नहीं रहा है। आदिवासी वोट गरक के हैं विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। क्या मीणा की नाराजगी से आदिवासी वोट और गरक सकते हैं? ये तकलीफ उठानी पड़ सकती है क्या बीजेपी को, आला कमान को? लेकिन एक तगड़ा झटका वसुंधरा राजे ने भी देने की तैयारी कर रही हैं। इसका ट्रेलर उन्होंने दिखा दिया है। ट्रेलर इस रूप में दिखाया गया है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में झालरा पाटन में वसुंधरा अचानक सक्रिय होती हैं, जनता से मिलती हैं, आम जनता से मिलती है, और उसी अंदाज में मिलती है जिस अंदाज में पहले वो मिलती रही थी जब वो मुख्यमंत्री रही या विपक्ष की नेता के रूप में रही। वो लोगों से हाथ मिलाना, महिलाओं के गले लगना और कंधा थपथपाना, मुस्कुरा कर बात करना, दुख तकलीफें सुनना। फिर एक वो स्कूटर पर भी सवार हुई और स्कूटर पर सवार होकर भी उन सघन इलाकों में गई जहां से उनकी गाड़ी नहीं जा सकती थी। तो ये एक संकेत देने की कोशिश की है। क्या वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को संकेत दे रही हैं कि डटे रहिए, मैं भी साथ हूँ? क्या वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो उन्हीं की तरह राजपूत हैं, आदित्यनाथ को संकेत दे रही हैं कि आप डटे रहिए, मैं आपके साथ हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ आला कमान को आंख दिखा रहे हैं, क्योंकि आला कमान उनको कुर्सी से हटाना चाहता है। तो वसुंधरा की ये सक्रियता अचानक से जो सामने आई है, वो कई सवाल उठाती है। हालांकि वसुंधरा के नज़दीकी सूत्रों का कहना है कि मैडम अभी भी कह रही हैं कि वेट एंड वॉच, पेशेंस रखिए, राजनीति में पेशेंस पे करता है, यानी संयम 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 अपने समय का इंतज़ार कीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा आखिर कब तक समय का इंतज़ार करेंगी, या ये समय आ गया है जब लगातार तीसरे चुनाव में वो बीजेपी आला कमान को अपनी मौजूदगी का एहसास करा सकती है। विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया, अपने इलाके तक सीमित रही, और इसका खामियाजा ये रहा कि बीजेपी जो 140-145 सीटें जीतनी चाहिए थी, 115 पर आकर के मिल गई। लोकसभा चुनाव में अपने बेटे दुष्यंत सिंह की झालावाड़ लोकसभा सीट तक वो सक्रिय रही। परिणाम ये रहा कि बीजेपी 11 लोकसभा सीटें हार गई, जिसमें से कम 3 या 4 पर वसुंधरा अपना असर दिखा सकती थी अगर वो सामने आ जाती तो। माहौल बदलने की कोशिश वो ज़रूर कर सकती थी, लेकिन वो नहीं गई। कुछ लोगों ने कहना है कि नहीं गई, लेकिन विद्रोह भी नहीं किया, कोई नाराज़गी भरा बयान भी जारी नहीं किया, इस तरह की हरकत भी नहीं की जिससे मोदी और अमित शाह नाराज़ हो। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी इस बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे तो उनके बेटे की तरफ ध्यान जाएगा, दुष्यंत सिंह की तरफ, जो लगातार 5वीं बार लोकसभा का चुनाव झालावाड़ 12 सीट से जीते हैं, उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन उनके बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया, नज़रअंदाज किया गया पहले की तरह ही। तो इसका बाद क्या वसुंधरा को समझ में आ गया है कि अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो कुछ है पाना ही पाना है, और घर पर बैठ के कोप भवन में बैठकर अपने लोगों के बीच चार दीवारों में घिर कर कुछ पाया नहीं जा सकता। राजनीति में अब तमाशा तो घुसकर ही देखना पड़ता है, तमाशा तो आपको दिखाना ही पड़ता है, और आला कमान को आप तभी चौंका सकते हैं जब आप अपने इलाके में अचानक सक्रिय हो जाएं, अपने जो दूसरे नेता हैं उनसे मिलने का प्रोग्राम उनका थोड़ा सा बढ़ जाए। अब विधानसभा सत्र शुरू हो रहा था, उससे पहले बहुत से विधायक जो जयपुर पहुंचे, वसुंधरा के निवास पर भी गए, वहां भी वो कहा गया कि आशीर्वाद लेने गए हैं मैडम का, महारानी का। लेकिन आशीर्वाद के साथ साथ, चाय पीने के दौरान के साथ साथ, कुछ बातें तो ज़रूर हुई होंगी। भजन लाल शर्मा को अपनी कहीं ना कहीं गलती का एहसास हो रहा था, तो वो 1 घंटा वसुंधरा के साथ रहे। बहाना था कि बजट पर बात होनी है। भाई बजट तो सीक्रेसी मेंटेन करता है, बजट तो तब तक तैयार करीब करीब हो चुका था, और ऐसे में क्या बजट पर बात करने गए थे? क्या अच्छा क्या टिप्स दे देती? वसुंधरा ने भी कोई बड़ा टिप नहीं दिया, ऐसा सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है। बताया जा रहा था कि भजनलाल शर्मा ने वसुंधरा तक ये थोड़ा सा अपनी तरफ से
आग्रह किया मनोहर की कि उनको विधानसभा के उपचुनाव में प्रचार करना चाहिए, पार्टी को उनकी बहुत ज़रूरत है, उनके नेतृत्व की ज़रूरत है, उनके अनुभव की ज़रूरत है, उनके एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। और राजस्थान में बीजेपी भले ही सत्ता में हो या विपक्ष में हो, कभी भी वो विधानसभा के उपचुनाव में ज़्यादा सक्रिय नहीं रही है, विधानसभा के उपचुनाव वो ज़्यादा संख्या में जीती नहीं है। तो भजन लाल ने एक तरह से, कुछ लोग कह रहे हैं कि भले इस रूप में हल्की सी माफ़ी भी मांग ली कि भाई आप हमसे गलती हो गई, पार्टी से गलती हुई, आपकी उपेक्षा हुई, आपको जो आपका जो और बेहतर इस्तेमाल पार्टी कर सकती थी राजस्थान में, आप ही राजस्थान में बीजेपी को और मजबूत कर सकती हैं, इनकी जड़ों को गहरा कर सकती हैं, आपकी जितनी पकड़ है उतनी पकड़ किसी और की नहीं है। लेकिन वसुंधरा इन लुभावनी बातों में नहीं आई ऐसा माना जाता है। कुल मिलाकर बता दिया गया, इशारा कर दिया गया, साफ साफ इशारा कर दिया गया कि वो विधानसभा के उपचुनाव में प्रचार करने नहीं जाएंगी और झालावाड़ में अपने इलाके में झालरापाटन में विधानसभा क्षेत्र में घूमकर जनता की तकलीफें सुनकर उन्होंने एक स्पष्ट इशारा कर दिया कि उनकी भूमिका आगे जाकर क्या रहने वाली है और वो क्या अपने लिए कोई बड़ी भूमिका तलाश रही हैं, पार्टी के अंदर पार्टी के बाहर अपने साथी तलाश रही हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि उनका जयपुर में जो घर है उन सड़क पार करते ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का घर है। अशोक गहलोत भी कांग्रेस में थोड़े दुखी बताए जाते हैं और ये भाई बहन की जोड़ी पर्दे के पीछे कुछ कमाल करती रही है, एक दूसरे को बचाने का काम तो करती रही है और पाँच साल बाद मैं, पाँच साल बाद आप, 20 साल तक ये राजनीति तो हम देखते रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि वसुंधरा विधानसभा उपचुनाव में क्या करती हैं, क्योंकि फिलहाल तो उनके पास आला कमान को नया संकेत देने का यही मौका है, या अभी भी वो वेट एंड वॉच पर हैं, पेशेंस से काम ले रही हैं। उनको लग रहा है कि अगर बीजेपी बुरी तरह से महाराष्ट्र में, हरियाणा में और झारखंड में हार जाती है तो क्या बीजेपी का आला कमान में कोई बदलाव हो सकता है, क्या बीजेपी फिर ये सबक सीख सकती है कि स्थानीय छत्रपों की उपेक्षा करना कितना खतरनाक है, और क्या वसुंधरा को लगता है कि अभी भी चांस है कि भजनलाल शर्मा को बदला जा सकता है, और अगर वसुंधरा को नहीं तो उनके किसी करीबी के समर्थक को मुख्यमंत्री का ताज पहनाया जा सकता है। फिलहाल वसुंधरा के अगला कदम का बेसब्री से इंतज़ार है। शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।